क्या बोला सर ने? अपनी सीट ऑफर कर रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, आपको बेरोजगार नहीं देख सकता। बस उसके बाद पहली वार्निंग दी है। इनकी पहली वार्निंग आखिरी वार्निंग होती है। अब कुछ हुआ ना, जॉब से निकलवा देंगे। अबे भाई कहाँ है यार तू? आज वो किराए की जगह देखने जाना था। क्या हो गया, परेशान लग रहा है? छोड़ यार, बस नौकरी जाते जाते बची। वैसे नौकरी और छोकरी तुझसे जितना दूर रहेगी ना उतना बची रहेगी। बाय द वे वो हमें मजीद रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कल जाएंगे यार, आज वैसे ही दिन बहुत भरा है। वैसे उन्होंने हमें ऐसे दौर में रहने की जगह दी है जिसमें गाड़ी वाला दूसरे को रास्ता नहीं देता और आशिक अपनी महबूबा को फेसबुक का पासवर्ड नहीं देता। कहाँ ना कल चलेंगे यार, प्लीज। देख ले यार, मर्जी है तेरी। हाँ? तुमने फोन नहीं किया? इतनी जलालत उठाने के बाद भी फोन करता मैं? सॉरी यार, सब मेरी गलती है। मैंने तो महावरतन कहा था कोई शहजादा आए और मुझे फूल दे, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी। तुम्हें ये सब अच्छा लगा तो फिर तुमने मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहा? वो मैंने तो अब्बास सर से बचाने के लिए कहा था तुम्हें। ये साइको वाइको तो नहीं है? दिन की बात रात को भूल जाती है, रात की बात दिन को भूल जाती है। क्या कहा? नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें कार्टून पसंद नहीं है? मैंने कब कहा? यार तुम लड़कियां भी ना बस। अच्छा यार सॉरी, अब मूड अच्छा करो ना वरना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, ओके बाय। कल ऑफ है मेरा, परसों मिलेंगे। बाय। पापा क्या ढूंढ रहे यूं यूं करके? वो मेरा सेल कहीं गायब हो गया है। साइंस की रूह से सेल्स गायब नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। ये उस वाले सेल की बात नहीं कर रहे जो बायोलॉजी वाला होता है, ये उन सेल्स की बात कर रही है जिसमें कैदियों को कैद किया जाता है। I got it. ये ले पापा। पापा बैटरी वाले सेल की बात नहीं कर रहे, सेल फोन की बात कर रहे। पापा ये रहा आपका सेल। शुक्र है। तुमने मुझे बॉल क्यों मारी? तुम्हारा आईक्यू चेक कर रही थी। कहते हैं कि अगर आईक्यू ज्यादा हो तो बॉल वापस आ जाती है, और अगर ना आए तो मतलब खोपड़ी खाली है। Very funny. एक मिनट, मैंने तुम लोगों को सेल फोन ढूंढने के लिए थोड़ी बुलाया था, बल्कि इसलिए बुलाया है कि मैं बताती हूँ किसलिए बुलाया है। पापा ने हमें इसलिए बुलाया है कि उन्हें हमें कुछ बताना है, राइट पापा? Obviously, ऐसे तो नहीं बुलाया होगा ना बस बैठने के लिए। पापा जल्दी करें, मुझे ऑफिस जाना है। पापा मैंने नोट किया है कि जब से अनुषी को चैनल में जॉब मिली है चैनल का मायार कितना गिर गया। मेरी एक ही बेटी है जो काम करती है, तुम लोग तो सिर्फ काम खराब करती हो। पापा इसीलिए तो मैं काम नहीं करती, वरना काम खराब हो जाएगा। हवलदार मौला बख्श। जी नहीं नहीं आप भेज दें। हाँ आप ही भेज दें, एड्रेस तो आपके पास है। ठीक है डन। अरे भाई खुशखबरी है, वो रिश्ते वाली खातून का फोन आया ना, वो निगार को देखने के लिए लड़का आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वो दरअसल हम घर ढूंढ रहे हैं, किराए के लिए। कोई खाली है तो बताएं। गुड़िया कॉलोनी में एक मकान है। अच्छा, पर वहां पे कोई किराएदार ज्यादा देर टिकता नहीं, इसीलिए एक महीने रेंट पर और दो महीने खाली रहता है। क्यों, कोई जिन में ना? क्या जिन भी और चुड़ैले भी। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी पिछली दफा की तरह। बेफिक्र हो जाएं पापा, पिछली बार वाली कोई गड़बड़ नहीं होगी, इस बार नई गड़बड़ होगी। खबरदार, बिल्कुल नहीं। पापा, हमारे लेवल के रिश्ते नहीं मिलने वाले। और अनुषी, तुम ऑफिस जाओ, छुट्टी मत कर लेना, वरना तुम्हारे चैनल वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे बगैर भी उनका चैनल चल सकता है। प्रॉपर्टी डीलर को वो हवलदार किराए पर नहीं देता, खुद जाओ किस्मत आजमा लो। पापा। हाँ, ये क्या? अरे क्या कर रही हो? अबे बेल नहीं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अब वो जी, हम दोनों बस बस, हवलदार मौला बख्श बंदे को देखते ही पहचान लेता है। आओ। लगता है वहाँ के कोई जिन रहते हैं, इनको किसने फोन किया? आओ ना, आ जाओ। माशाल्लाह, भाई घबराओ नहीं। अम्मा अब्बा कहाँ होते हैं तुम दोनों के? जी वो हैदराबाद में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ किटी और ये है मिकी। ये मेरी छोटी बेटिया है। क्या लोगे, चाय या ठंडा? दोनों मंगा ले। निगार, जल्दी से जरा दो कप ठंडी चाय लाना। मेरी बेटियां बहुत ही सुघड़ और शरीफ है। दरअसल मुझे लतीफों में बहुत हंसी आती है। ये है निगार, मेरी बड़ी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब चीजें इसने खुद बनाई। महीने में कितना कमा लेते हो? 50,000। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर नौकरी अच्छी मिल जाए तो? तुम दोनों में से लड़का कौन है? जी हम दोनों ही लड़के हैं। अच्छा, मैं समझा सिर्फ तुम लड़के। ये तेरा लड़का होने पे तो चौंकी क्यों है? अरे खाओ ना, खाओ। थैंक यू। निगार सबसे बड़ी बेटी है हमारी। अच्छा अच्छा। इसकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कहा आपने, उसूलन तो बड़ी की शादी पहले होनी चाहिए। मैं कहा था ना। ये हमसे क्यों पूछ रहा है? तू किराया पूछ, जो वो जगह देख लें जहां रहना है। एक नजर देख लें तो अच्छा होगा, ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। भाई एक नजर आपने देख ही लिया है हमारी निगार को। जी वो पैसे कितने लेंगे आप? मेरा मतलब एडवांस वगैरह। एडवांस
जाएगा। अभी बताता हूँ। बात सुनिए, ये कहाँ गए हैं? बंदूक लेने। क्या बंदूक? ये कौन सा तरीका घर किराए पे देने का? पहले मेहमान नवाजी की, खिलाया पिलाया, बेटियों से मिलवाया, अब बंदूक। आप लोग मकान किराए पे लेने आए हो? ऑफ कोर्स। प्लेट नीचे रखो। रखो ये नीचे, प्लेट नीचे रखो। कहाँ रखो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा, मम्मी, पापा, 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 पापा